दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका भी घर इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन कुछ गलतियां जो कि मिस्त्री या ठेकेदार से होती है आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल जो है वो कवर करने वाला हूँ एक एक पॉइंट, तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों इस वाले साइट में कुछ काम अच्छा भी किया जा रहा है और कुछ काम इतना घटिया किया जा रहा है, इतना ख़राब किया जा रहा है दोस्तों, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा साइट हो सकता है आपके सीखने के लिए, जो फ्रेशर इंजीनियर है उनको भी दोस्तों इस साइट से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों घर का स्टार्ट होता है लेआउट से, ठीक है। आप लेआउट के लिए इस तरीके से जो है वो एक बुर्जी बनाना सही आइडिया रहता है दोस्तों। ये इससे अगर आप धागा लगाएंगे, एक धागा सेंटर लाइन जो लगाते हैं दोस्तों, इससे अगर लगाएंगे तो ये एक आध इंच दोस्तों दाएं बाएं बिल्कुल हो सकता है, तो इस तरीके के काम से बचना चाहिए। हर जगह दोस्तों आप देख सकते हैं बुर्जी के नाम पर दोस्तों ये एक डंडा गाड़ दिया गया है, तो ये चीज़ें करने से आपको बचना है, ठीक है। क्योंकि ये एक दो इंच दाएं बाएं होगा ही, ये एक दो इंच दाएं बाएं होगा दोस्तों, आपका जो कॉलम है वो इन या आउट हो सकता है, जिससे आपको जॉगल मारना होगा, फिर दोस्तों ये वर्टिकली लोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों उस चीज़ को सुधारना है ताकि हम धागा लगा सके, सेंटर लाइन ले सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से फुटिंग लगाने से पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, कि जो सोलिंग होता है ना, सोलिंग के ऊपर में इस तरीके से दोस्तों PCC करना होता है। PCC मैं आपको बता दूं इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हम इस पर जो फुटिंग मेश डाले, जो जाली डाले दोस्तों, लोहे का जो जाली होता है, ठीक है, फुटिंग को डाले दोस्तों, जब तब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा ये ईंट है ना, ईंट जो नीचे का जो पानी है, नमी है, उसको दोस्तों एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो नमी अगर आपके फुटिंग मेश जाली में पहुंच गई और जाली से दोस्तों आपके कॉलम के सरिया में पहुंच गया, तो पूरा दोस्तों कैंसर की तरह ये हर जगह पहुँच जाएगा और कॉलम का स्ट्रेंथ बहुत ही जल्द खो जाएगा दोस्तों। चूँकि अगर लोहे में जंक लग गई तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेंथ नष्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गई। PCC हमेशा करवाना है दोस्तों। इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा मेहनत होता है, इसलिए बचने के लिए दोस्तों ठेकेदार क्या करते हैं कि डायरेक्ट पहले उन्होंने सोलिंग किया हुआ है और उसके ऊपर से दोस्तों 3-4 ईंट रख देंगे, और उनका कहना होता है दोस्तों कि अब ईंट हमने रख दिया है तो नीचे में क्या होगा दोस्तों कि कंक्रीट चला जाएगा और दोस्तों ऊपर में हमारा ये कवर का काम करेगा ईंट, तो ईंट कभी भी कवर ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए। चूँकि दोस्तों वो फिर एक ईंट दूसरे ईंट में पानी को ट्रांसफ़र कर ही देगा, तो ईंट नहीं बल्कि कवर ब्लॉक यहाँ पे इस्तेमाल करवा, PCC करवा के ही आपको जो है फुटिंग मेश यहाँ पे जाली रखना चाहिए। इसके बाद ही आप कवर दीजिए और तब दोस्तों क्या कर सकते हैं कि जाली रखवा सकते हैं दोस्तों। हो सकता है अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से नहीं हैं तो ये चीज़ें, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके शायद ऊपर से भी पार हो रहा होगा, तो आप खुद देखिए, अपने फैमिली मेम्बर को दिखाइए, या फिर दोस्तों एक से दो बार देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है कॉलम खड़ा करने का, ठीक है। इसमें फिर से दोस्तों सेंटर लाइन लिया जाता है और बुर्जी मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है, डंटा या फिर रॉड लगा करके मार्किंग करना सही नहीं है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो फुटिंग बनाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ईंट का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये साइड साइड में आप ईंट देख रहे हैं ना, ये ईंट का प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना है। ये ईंट का प्रयोग वही लोग करते हैं जिनको वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करना होता है। वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा दोस्तों, आपका गिट्टी बालू सीमेंट या फिर लेबर कॉस्ट सारा चीज़ खर्च हो रहा है, लेकिन आपको दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ढलाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो कंक्रीट रहता है ना उसके बीच में हवा एयर गैप रहता है, ठीक है, एयर बबल रहता है, उस चीज़ को वाइब्रेटर से ही हटाया जा सकता है। वरना दोस्तों क्या होगा कि ये जब सेट होगा ना, सेट होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेटर अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ दोस्तों ये जैसे ही ठोस होगा, क्रैक्स वगैरह आने का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बचें। अगर दोस्तों यहाँ पर बढ़िया तरीके से शटरिंग कर दिया जाए, ठीक है, प्लाईबोर्ड से, तो बिल्कुल वहाँ पर आप वाइब्रेटर भी चला पाएंगे और अच्छे तरीके से आपका ढलाई भी होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो गलती किया जा रहा है, ये जो ब्रिकवर किया जा रहा है ना, ये भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिकवर करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, ये आप जान लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया था और इन्होंने ग्राउंड बीम बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, तो ग्राउंड बीम के बिना आपको बिल्कुल भी काम स्टार्ट नहीं करवाना। आपको करना क्या है दोस्तों, ये दोनों जो कॉलम है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रिकवर्क है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए ये फुटिंग है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट करने के लिए है दोस्तों। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी पे ब्रिकवर्क किया गया है। मिट्टी दोस्तों अगर नमी के साथ धंसता है तो ये ब्रिकवर्क भी धंस जाएगा। मिट्टी अगर आप भरते हैं दोस्तों, ये बाहर की तरफ ढकेलता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे में कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको करना क्या है
ये एक कॉलम है, एक वहाँ कॉलम है दोस्तों। दोनों में जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मिट्टी के लेवल में आता है, मिट्टी से 6 इंच नीचे दोस्तों आप क्या करना है कि यहाँ पे खुदाई करवानी है और उस लेवल से दोस्तों आप एक ग्राउंड बीम चला दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ईंट है दोस्तों उसको होल्ड करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढलाई किया हुआ है, जो फुटिंग है वो इसका लोड सह लेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मिट्टी है उसको दोस्तों किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है, वो जब चाहे तब धंस सकता है, इसलिए ग्राउंड बीम दे दीजिए और उसके बाद में दोस्तों ब्रिकवर्क आप दे के आराम से ऊपर में जो है वो प्लिंथ लेवल पे आप देखिए 2.5 फीट का जगह है तो आप डीपीसी से काम चला सकते हैं, नहीं तो 3-4 फीट 4.5 फीट हो गया तो एक और बीम आपको प्लिंथ लेवल पे चलाना होगा। इस तरीके से दीवार पे क्रैक्स नहीं आएंगे दोस्तों, चूंकि ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है मतलब सारा का सारा लोड जो है वो कॉलम और बीम पे ही आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कॉलम की ढलाई कितना मामूली तरीके से किया जा रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे ईंट की मदद ली गई है, ठीक है। ये बहुत ही गलत आइडिया है, आपको शटरिंग प्रॉपर करना है दोस्तों। इस तरीके से ईंट लगाएंगे मतलब यहाँ भी वाइब्रेटर वगैरह नहीं चलाया गया, वाइब्रेटर चलाएंगे दोस्तों तो ईंट से जितना भी सीमेंट स्लरी है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वाइब्रेटर अगर नहीं चलाते हैं तो एयर गैप बना रहेगा और वो दोस्तों बाद में चल के क्रैक्स आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों हनीकॉम ये जब शटरिंग हटेगा ना बिल्कुल आप देखेंगे खुरदुरा एक सरफेस आपको दिखेगा जो बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और साथ ही साथ उसका स्ट्रेंथ भी उतना नहीं रहता है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है दोस्तों कि इस तरीके से जो है वो जो आपका प्लाईवुड है उसी से दोस्तों आपको इस तरीके से जो है वो आपको कॉलम कास्टिंग करवाना है, ताकि बिल्कुल जो है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ के साथ में आपके कॉलम का ढलाई हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।